This is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about solar energy devices. So guys, sun is obviously a powerful source of energy jisse hame energy get hoti hai. Jo solar radiations hai usko hum as a energy use karte hai in our various devices. To wo devices kya hai, unki working kya hoti hai, unki construction kya hoti hai aur kya unke advantages hote hai, yahi hum sab is session mein discuss karne ja rahe hai. So let's start our session with solar energy. अब हमें solar devices के बारे में study करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि solar energy क्या होती है. So it is the energy obtained from the sun. Solar energy क्या होती है? वो energy जो sun से obtain होती है, उसे हम solar energy बोलते हैं. It provides us heat and light. Obviously solar energy हमें क्या provide करती है? Solar energy हमें heat provide करती है, हमें light provide करती है. The nuclear fusion reaction taking place inside the sun keeps on liberating enormous amount of heat and light energy. Simply हमें पता है, पहली बात हमें ये पता है कि जो भी energy sun से obtain होती है वो solar energy होती है, जो हमें heat और light provide करती है. Along with that हमें ये भी पता है कि sun के अंदर क्या होता है, काफी सारे nuclear fusion reactions होती रहती है जो एक enormous amount of heat and light energy का production करती है. यही हीट एंड लाइट एनर्जी को हम यूज करते हैं इन अ वेरियस सोलर डिवाइसेस. क्लियर? सो द थिंग इज दैट द सन हैज बीन रेडिएटिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट रेट ऑफ नियरली 5 बिलियन इयर्स एंड विल कंटिन्यू रेडिएटिंग इट दैट रेट ऑफ अबाउट 5 बिलियन ईयर मोर. जो सन है वो अपने अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट करता हुआ आ रहा है. एज ऑफ प्रेजेंट हम यही सपोज करते हैं कि अबाउट 5 बिलियन ईयर्स से जो सन है एनर्जी रेडिएट करता आ रहा है, एंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक वो एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस द आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. सिर्फ एक कुछ पार्ट होता है सोलर एनर्जी का जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर तक पहुंच पाता है. नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्सॉर्ब्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट रीचेस द अर्थ सरफेस. जो एक स्मॉल अमाउंट आउटर लेयर जो होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वहां तक पहुंचता है, उसमें से भी अराउंड हाफ जो है वो एब्सॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, और जो हाफ रिमेनिंग रहता है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है. क्लियर? नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्सॉर्ब व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट रीचेस द अर्थ सरफेस. इज दैट क्लियर? अब बात आती है दैट जो सोलर कुकर होता है वो क्या होता है. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोलर कुकर का डायग्राम गिवन है. क्लियर? क्या होता है? अ ब्लैक सरफेस एब्सॉर्ब्स मोर हीट एज कंपेयर्ड टू अ व्हाइट और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस. क्लियर है कि जो ब्लैक सरफेस होता है वो ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब कर सकता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट एब्सॉर्बर है. क्लियर? दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं, एक ग्लास शीट लेते हैं जो ब्लैक कलर की होती है, जिसे हम ऑब्वियसली आई मीन टू से एक ब्लैक कलर लेते हैं जो हम उसको सोलर कुकर में ग्रैब कर देते हैं, सोलर कुकर को उससे कवर कर देते हैं. दैट इज अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक ब्लैक कलर का यूज कर रहे हैं. साथ में हमारी एक ग्लास शीट है, ये हमारा कंटेनर है, और यहाँ पे हमने मिरर लगाया हुआ है. क्लियर? तो जैसे ही सनरेज इस मिरर पे आती है वो यहाँ पे कन्वर्ज होती है. जब वो यहाँ पे कन्वर्ज होएंगी तो क्या होगा, एनर्जी से जो फूड है वो हमारा पक जाता है. क्लियर? दैट ब्लैक सरफेस एब्सॉर्ब्स मोर हीट एज कंपेयर टू अ व्हाइट और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस. जो ब्लैक सरफेस है वो व्हाइट के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर सकता है. एंड सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग. इसी प्रॉपर्टी को जो सोलर कुकर्स हैं, सोलर वाटर हीटर्स हैं, वो अपनी वर्किंग में यूज करते हैं. Some solar cookers achieve a high temperature by using mirror to focus the sun rays on the sun. कुछ solar cookers ऐसे भी होते हैं जो high temperature achieve करने के लिए एक mirror का use करते हैं जो sun rays को focus करता है. Solar cookers are covered with a glass plate. जो solar cookers रहते हैं उन्हें glass plate के through cover किया हुआ होता है. Clear? So obviously जब हम उसे cover करके रखते हैं glass plate से तो क्या होता है, जैसे ही sun rays आएंगी वो क्या होगा, ग्लास के थ्रू वो कन्वर्ज होंगी और जो फूड है उसको हाई टेम्परेचर मिलेगा जिसकी वजह से वो कुक हो जाता है. क्लियर?
It is easy to see that these devices are useful only at certain times during the day. सिंपली सी बात है, ये जो डिवाइस है सिर्फ तभी यूजफुल होती है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, दैट इज डे टाइम में. द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ये जो सोलर एनर्जी की लिमिटेशन थी कि जो सोलर डिवाइसेस हैं वो सिर्फ उतने टाइम के लिए यूज हो सकती थी जितने टाइम के लिए सनलाइट अवेलेबल है, तो इस लिमिटेशन को कैसे दूर किया गया? इस लिमिटेशन को हमने दूर किया बाय यूजिंग सोलर सेल्स. सोलर सेल्स क्या होती हैं? दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सोलर सेल्स का वर्क ही होता है कि ये जो सोलर एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. अ टिपिकल सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 टू 1 वोल्ट एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन. कोई भी एक टिपिकल सोलर सेल जो होगी वो लगभग 0.5 से 1 वोल्ट तक के वोल्टेज डेवलप करती है और अराउंड 0.7 वॉट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है जब भी हम किसी सोलर पैनल को या सोलर सेल को सन के एक्सपोज में रखते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड इन एन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर पैनल एंड दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज. काफी नंबर ऑफ सोलर सेल्स को हम कंबाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ जिसे हम सोलर सेल पैनल बोलते हैं, क्लियर. और वो इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हमारे लिए जो हम अपने नॉर्मली प्रैक्टिकल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, क्लियर. सो द थिंग इज दैट द प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सोलर सेल्स आर दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट्स, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस एंड वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस. जो एडवांटेज हमें मिलता है सोलर सेल्स का वो क्या है? वो ये है कि इनमें कोई भी मूविंग पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, क्लियर. इनको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती. अलोंग विद दैट ये वर्क भी सेटिस्फैक्टरीली वर्क करते हैं, दैट इज एक परफेक्ट वर्क करते हैं, परफेक्ट के पास आई मीन टू से अच्छा वर्क करते हैं जो हमें चाहिए होता है और इसमें कोई भी फोकसिंग डिवाइस का भी यूज नहीं होता. अनदर एडवांटेज इज दैट दे कैन बी सेट अप इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हैमलेट्स और वेरी स्पर्सली इनहैबिटेड एरियाज इन विच लेइंग अप अ पावर ट्रांसमिशन लाइन मे बी एक्सपेंसिव और नॉट कमर्शियली वेबल. सिंपली बात है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये रहता है कि वैसे एरियाज जहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो या कमर्शियल ना हो या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ पे रीच आउट नहीं कर पा रही हो, तो ऐसे जो रिमोट और इनएक्सेसिबल हैमलेट्स और वी कैन से इनहैबिटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे पहुँचाने का काम सोलर पैनल के थ्रू हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हम सोलर पैनल्स को सिचुएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू वो लोग इलेक्ट्रिसिटी गेन कर सकते हैं, काफ़ी चीप वे में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है. इज दैट क्लियर टू यू? सो द थिंग इज दैट सिलिकॉन विच इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज अबंडेंट इन नेचर बट अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज लिमिटेड. जो सिलिकॉन सोलर सेल्स को बनाने में काम होता है, यूज में आता है, वो नेचर में अवेंडेंट है, लेकिन जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन जो सोलर सेल्स के लिए उनके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में आता है वो लिमिटेड है. द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन द पैनल फर्दर एड्स टू द कॉस्ट. सिंपली जो एक्सपेंस रहते हैं मैन्युफैक्चर के टाइम पे वो काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि पहले तो जो सिलिकॉन यूज होता है उसमें वो लिमिटेड है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है. अलोंग विद दैट जो सोलर पैनल होते हैं उसमें हम सिल्वर वायरिंग यूज करते हैं. अब सिल्वर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली सिल्वर क्या है, एक एक्सपेंसिव मेटल है. दैट इज द रीजन जो सोलर पैनल को सिचुएट करने की जो कनेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाती है. बट इन स्पाइट ऑफ द हाई कॉस्ट एंड लो इफिशियंसी सोलर सेल्स आर यूज फॉर मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन. लेकिन इसकी हाई कॉस्ट और लो एफिशिएंसी की होने की वजह से भी जो सोलर सेल्स हैं उनका यूज काफी सारे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में होता आ रहा है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल्स एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. जितने भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हुए, स्पेस प्रोब्स हुए, जैसे हमारा मार्स ऑर्बिटर्स है, ये सब क्या करते हैं? सोलर सेल्स का ही यूज करते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स और टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर सेल पैनल.
जितने भी हमारे रेडियो हुए या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स हुए, टीवी रिले स्टेशंस हुए, ये सब जितने भी हमारे रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रीच आउट नहीं होती, वहाँ पे सोलर सेल पैनल्स का ही यूज होता है। ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स एंड मैनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल्स। काफी सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं और काफी सारे टॉयज हैं जिनमें सोलर सेल्स फिटेड रहते हैं। टू सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड ऑन स्पेशली डिजाइंड इंक्लाइंड रूफ टॉप सो दैट मोर सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ओवर इट। जो सोलर सेल पैनल्स होते हैं उन्हें ऐसे माउंट किया जाता है, ऐसे स्पेशली डिजाइंड इंक्लाइंड रूफ टॉप्स पे रखा जाता है कि जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा उस पर इंसिडेंट हो। द डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल्स इज हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। लेकिन डोमेस्टिक यूज हम ज्यादा नहीं करते सोलर सेल्स का, क्योंकि उनमें हाई कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनके ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और इफिशियंसी उसकी लो रहती है। क्लियर? वैसे नॉर्मली अभी लोग सोलर सेल्स का यूज करने लगे एज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली हाई होती जा रही है उसका प्राइस, तो जो पीपल है अपने घर में एज अ बैकअप प्लान सोलर सेल्स को रखना पसंद करते हैं। बाय द वे थिंग इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी? जो सोलर एनर्जी है उसके एडवांटेजेस क्या है? सो फर्स्ट वन इज दैट इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो सोलर एनर्जी है वो कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करती। इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन अ हॉट कंट्री लाइक अर्थ। जो सोलर एनर्जी है वो अबंडेंस में भी अवेलेबल रहती है, दैट इज इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन अ हॉट कंट्री लाइक अर्थ। जैसे हमारी जैसी हॉट कंट्रीज है, इंडिया क्या एक हॉट कंट्री है, काफी गर्मी रहती है यहाँ पे, तो ऐसी कंट्रीज पे ये काफी बेनिफिशियल प्रूफ होती है। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑब्वियसली जो सोलर एनर्जी है वो तो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, बस सोलर सेल पैनल्स को सिचुएट करने के लिए हमें कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसके बाद एक बार एस्टेब्लिशमेंट हो जाए तो सोलर एनर्जी तो आपकी अपनी है, दैट इज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और मेन तो एडवांटेज इसका यही है कि ये कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। बट द थिंग इज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी के लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट, एनर्जी रीचिंग द सरफेस इज मच डिफ्यूज। जो एनर्जी सरफेस पे आती है वो काफी डिफ्यूज रहती है, सो डायरेक्ट यूटिलिटी इज लिमिटेड, इसीलिए उसका जो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है वो लिमिटेड रहता है। सेकेंड, इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली ऑल द टाइम एंड एट ऑल द प्लेसेस। ये यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं होती हर टाइम हर प्लेस पे। जहाँ पे क्लाउडी सीजन है, क्लाउडी टाइम है, वहां पे सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। जो हिली एरियाज है जहाँ पे सनलाइट ज्यादा नहीं आती, वहां पे भी सोलर पैनल्स का कोई यूज नहीं होता। तो ऐसे छोटी छोटी जगह है जहाँ पे हम सोलर पैनल्स का यूज नहीं कर सकते। साथ में नाइट के टाइम पे हम सोलर पैनल यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही होती है। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेस क्वेश्चन इज, Name two activities in your daily life in which solar energy is used. आपको कोई भी ऐसी दो activities बतानी है अपनी daily life से जहाँ पे solar energy use करते हो या आपकी जो solar energy है वो use होती है. Clear? The name two activities in our daily lives in which solar energy is used. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, for cooking food using solar cookers का use करके हम जो food को cook करते हैं उसमें हम क्या use करते हैं? उसमें हम obviously solar energies का use करते हैं, and also for drying cloths and grains. जो cloths हैं, जो grains हैं, उनको dry करने के लिए भी हम solar energy का use करते हैं. तो कौन सी दो activities हो गई जिनमें हम solar energy का use करते हैं? First for cooking food using solar cookers and for drying cloths and grains. So what did we learn today? आज हमने क्या study किया? आज हमने solar energy के बारे में study किया. Solar energy क्या होती है? उसके uses क्या होते हैं? उसके advantages क्या होते हैं? उसके limitations क्या होती है? Along with that हमने study किया about solar cookers and solar cell panels. So I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.